सपनों का एक महल हो सपनों का. Welcome all of you. Hi Gaurav, how are you? I'm fine. How are you all? Fine. I'm Junior. तुम कैसे हो? अंकल आप फॉरेन गए थे ना? आप मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट लाए हैं क्या? चॉकलेट्स? तुमने कभी चॉकलेट्स खाए नहीं है क्या? क्यों डाल रही हैं इसे? ये तो इसका हक बनता है. बिल्कुल. मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लाया हूँ. Really? Happy? Very happy, isn't it? इतनी सारी. Only for Junior. Don't tell me ये सारी ये खा जाएगा. Of course. अच्छा एक काम करो, ये बड़ी वाली है वो मुझे दे. Anyway, तुम्हारी foreign trip कैसी रही? Fantastic, excellent. Yeah? भाभी मैं फ्रांस से कुछ bone china की crockery लाया हूँ. मैं चाहता हूँ आप इसे स्टडी करें और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, जिसमें आप इसकी मार्केटिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग प्राइस मेंशन करें, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस प्रोडक्ट को हम मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं. Sure, why not? अरे ये क्या, तुम ही बोले जा रहे हो, इन्हें भी तो कुछ बोलने का मौका दो. sorry. Hey everyone, meet Mansi, my to be wife, and Mansi, meet Samir, my to be business partner. Hi. Hey, I'm sorry, I forgot. आप दोनों तो मिल चुके हैं ना? हाँ, पिछले हफ्ते जब तुम यहाँ नहीं थे. And now meet my favorite भाभी, the best भाभी in the world, पारो भाभी. Hello. Hello. Nice meeting you. हम दोनों अक्सर आपके बारे में बातें करते हैं. मानसी तो आपके बारे में बहुत कुछ कहती है मुझे. क्या क्या कह रही थी? मतलब मतलब डरो मत, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही थी. मानसी तो बहुत इम्प्रेस्ड है आपसे, है ना मानसी? थैंक गॉड, कोई तो इम्प्रेस हुआ तुमसे मिलकर. पापा या आंटी? अरे क्या कानों में क्या गुनगुना रहे हो? जो भी कहना है जोर से कहो. नहीं नहीं कुछ नहीं, वो कह रहा है कि तुम्हारे जैसी टी शर्ट मेरे पास भी है. नहीं नहीं अंकल. काना चुप. लेकिन मानसी, पारो भाभी की वो गिफ्ट देनी है. यू शुड डू द ऑनर. हम दोनों की तरफ से आपके लिए, आपका फेवरेट परफ्यूम है पॉइजन. आपको बहुत पसंद है ना? अरे पॉइजन देने की मतलब गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? क्या बात कर रही है भाभी, आपके लिए कुछ न ले आए ये कैसे हो सकता है? एंड समीर, तुम्हारे लिए भी बढ़िया फ्रेंच परफ्यूम खरीदी थी, बट अफसोस मेरे एक अजीज दोस्त को देनी पड़ी. आई होप यू डोंट माइंड. अरे नहीं नहीं गौरांग, इट्स परफेक्टली ऑलराइट. डैडी आंटी. क्या बेटे, क्या कौन सी आंटी, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं ऐसे ही बड़बड़ा रहा है वो. बच्चे को भूख लगी होगी, बेटा बिस्किट खाओगे? थैंक्स, घर से खा कर आया है. तो और सुनाइए, आप लोगों को घर मिल गया? नहीं बस ढूंढ ही रहे हैं. ओ तो तुम लोग तैयार हो ना? ऑफ कोर्स तैयार हैं, बस ड्राइवर का इंतजार कर रहे हैं. जैसे वो आ जाएगा हम लोग चलेंगे. मैंने क्लब पर टेबल भी बुक करके रखा है. आंटी अक्षय बेटा यहाँ हो मेरे पास. बैठो बैठो अक्षय, बैठ जाओ. क्यों वो नीचे जाकर खेलने दो ना उसे, वैसे भी चॉकलेट खाने में टाइम बिताएगा वो. क्यों अंकल को परेशान कर रहे हो तुम? इसमें परेशानी की क्या बात है बेटे, यहाँ आओ. चुप क्यों बैठे हो? उस दिन तो बहुत सारी बातें कर रहे थे मेरे साथ. अंकल मम्मी ने मना किया है, कहा था कि ज्यादा बोलना मत. अरे क्यों भाई, मम्मी ने मना क्यों किया था? कम ऑन भाभी. बेटे तुम्हें भूख लगी है? बेटे जो भी कहना है जोर से कहो. नहीं जोर से नहीं कह पाएगा, आई नो हिम, वो ताकत ही नहीं, बाथरूम जाना है उसे. नहीं मैं लेके जाता हूं, डोंट वरी. चलो चलो मेरे साथ बाथरूम जाना है ना, चलो चलो. जाते वक्त रास्ते में कहोगे कि बाथरूम जाना है. कभी किसी आंटी को देखा नहीं? आंटी आंटी कर रहे थे. यही तो मैं कह रहा हूं डैडी, मैंने इस आंटी को पहले भी देखा है. चुप चुप हो जा, कुछ बोलना नहीं, जाओ जाकर बैठो और कुछ बोलना नहीं, समझे तुम? लेकिन जिसके लिए लाए हो वो तो करने दो. क्या गॉड, जाओ जाओ. और मैंने कहा वो याद रखना, अपना मुंह बंद रखना, समझे तुम? मुंह बंद रखूंगा तो खाऊंगा कैसे? शट अप शट अप, जाओ जाओ. क्या महाराज सूझा क्या? हाँ दिमाग सूज गया मेरा सोचते सोचते. ये सोचने का काम भी कितना मुश्किल है ना, और रामबी के लिए तो सबसे ज्यादा. एक खजूर तो थप्पड़ खाएगा मेरे हाथ का. अच्छा मैं क्या सोचता था कि पार्टी में जाना हमारे लिए जरूरी है क्या? अरे हाँ, यही तो मौका है कुछ कर दिखाने का, सब पे छा जाने का. देखो ये खाने की कोई भी बात हो ना मैं यूं कर दूंगा, लेकिन छाने की बात मुझसे नहीं होगी. अरे तू समझता नहीं है यार, अगर मालिकों की नजर में तू कुछ कर दिखाएगा तो तेरी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी.
अच्छा चल, मौज मस्ती करने तो जा सकते हैं ना, और अब ये मत सोचना कि उनके बीच अपन नहीं जा सकते, उनको बुरा लगेगा। अगर ऐसा होता तो वो तुम्हारी शादी राजू भैया और अभय भैया के साथ साथ थोड़ी ना करवाते। जमुना, ये बात तो रामी ने ठीक कही। मान जाना महाराज, तेरे को तेरी किचन की कसम। अच्छा ठीक है, लेकिन बात तो अभी वहीं के वहीं अटकी है ना, हम बनेंगे क्या? वो मैंने सोच लिया है। क्या? ये हेमा मालिनी, तू अमिताभ, और अपन धर्मेंद्र, शोले लाइव टेलीकास्ट। अरे नहीं नहीं, ये इतना बकवास है। कुत्ते कमीने, चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना ऐसा, ये तो पूरी पार्टी में मुझे गाली देती फिरेगी, कुत्ते कमीने कहकर। नहीं दूंगी रे। योगी, ये बात तो सही है, लेकिन बसंती ये जानना चाहती है कि सीन कौन सा करेंगे। अरे वही अपना शिव के मंदिर वाला, जहाँ पे जय बसंती को लेके आता है और वीरू मूर्ति के पीछे से बात करता है। कन्नो, योगी, ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं कन्नो। रामदी, यहाँ पे इतना मजा आ रहा तो वहाँ कितना मजा आएगा ना? अरे नहीं 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 नहीं, कोई मजा नहीं आएगा, मेरे डायलॉग्स तो है ही नहीं। तेरे को तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है ना, तो तू खड़ा रहेगा। अरे वाह, एक तो मुझे यही मंजूर नहीं है कि हमारी दोनों की जोड़ी नहीं होगी, और मेरे डायलॉग्स कहाँ हैं? मैं क्या भजन करूंगा? मुझे नहीं करना है। राम भी, अगर जमुना नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगा। क्या बोली रे तू, माचिस की गांडी? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है जमुना, राम भी इतने प्यार से समझा रही है, तो कर लो ना। अच्छा, लेकिन एक शर्त है, मेरे डायलॉग्स भी होंगे और आखिर में अमिताभ हेमा मालिनी को लेके जाएगा, चलेगा? चलेगा। तो डन डन डन। समीर, क्या सोच रहे हो? कल के बारे में सोच रहा हूं। मैं भी कल के बारे में ही सोच रही थी। वह मानसी थी ना, तो बहुत ही अजीब लग रहा था, माहौल ही कुछ अलग सा लग रहा था। हाँ पारो, मैं भी अंदर अंदर से बहुत घबरा रहा था। कभी कभी तो यू नो, मानसी इस तरह देख रही थी मेरे सामने कि वो गौरांग को सब कुछ बता देगी। कहीं मानसी ने गौरांग को सब कुछ बता दिया तो, या फिर गौरांग को कहीं बाहर से पता चल गया तो क्या? पारो, हमारा पूरा काम धरा का धरा रह जाएगा, सारी डील कैंसिल हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है समीर। तो मेरे मन में भी कोई लड्डू नहीं फूट रहे? तुम चिढ़ते क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं। एक सजेशन दूं, तुम जाकर गौरांग को सब कुछ सच सच बता दो। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, जाओ जाओ, जाकर फोन करो गौरांग को कि कुल्हाड़ी निकाल के रखे, मैं पाव माने आ रहा हूं उसके पास, जाओ। मैंने अभी अभी तो कहा कि अगर उसे पता चला तो हमारी सारी डील कैंसिल हो जाएगी। लेकिन एक न एक दिन तो उसे पता चलने ही वाला है ना? पता तो उसे कल ही चल जाता, तुम्हारा लाडला है ना अक्षय। वो तो बच्चा है, उसे क्या पता? अरे बच्चा है तो क्या चुप नहीं बैठ सकता था? वो बच्चा है, बार बार घुसुर बुसुर करने की क्या जरूरत थी उसे? मेरा तो मन करता था एक खींच के रख दूं उसे और चुप करा दूं उसे। पापा, मुझे ये पूछना था कि कल हम जहाँ गए थे वहाँ जो आंटी थी वो आपकी फ्रेंड थी ना? पारो, इसे यहाँ से ले जाओ वरना मैं। अक्षय बेटा यहाँ आओ, जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो। जो मम्मी एक मिनट, पापा बताइए ना कि वो आंटी आपकी फ्रेंड थी ना? क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? हा? नहीं, मुझे ऐसे ही लगा कि वो आपकी फ्रेंड होगी। देखो तुम्हें आइसक्रीम पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई हूँ, जाओ जाकर फ्रिज में से निकाल कर खा लो। ओके ठीक है। एक मिनट रुको, जाओ मत, पहले मुझे ये बताओ कल तुम अंकल के साथ आइसक्रीम खाने गए थे ना? हाँ, उनके साथ बहुत मजा आया था। अरे मजा को मारो गोली, अंकल ने तुमसे कुछ पूछा तो नहीं? हाँ पूछा। क्या पूछा, क्या पूछा अंकल ने? दुखने दो, मुझे ये बताओ अंकल ने तुमसे क्या पूछा? छोड़ो ना, क्या तुम बीच में मत बोलो, मुझे बात करने दो उससे। तुमने कुछ कहा तो नहीं अंकल से? मैंने कहा कि वो आंटी है ना, पापा प्लीज छोड़ो ना, मुझे खेलने जाना है। मुझे भी खेलना है, मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ खेलने के लिए। पहले ये बताओ तुमने उससे क्या कहा? मैंने कहा कि वो आंटी है ना, पापा प्लीज छोड़ो ना, मैं नहीं खेलूंगा, मैं चुपचाप स्टडी करूंगा। स्टडी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी क्या बात हुई है मुझे बताओ पहले।
मैंने कहा कि वो आंटी है ना। आंटी? आंटी के आगे क्या है, सिर्फ आंटी है, कुछ नहीं आगे। मैंने कहा कि वो आंटी है ना, उनकी साड़ी का कलर है ना, वो कलर का मुझे आइसक्रीम चाहिए। बस सिर्फ इतना ही? हाँ। और कुछ बात नहीं हुई तुम्हारी? नहीं, सिर्फ इतना ही। थैंक गॉड। जाओ 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 बेटा, आइसक्रीम खाओ, तीन चार आइसक्रीम खाना और बाद में खेलने जाना, और आज स्टडी करने की भी जरूरत नहीं। जाओ। थैंक यू पापा। सारा सामान वहाँ आ तो जाएगा, वहाँ पर सामान, यहाँ पर पूरा खाली, और वहाँ पर एक मिरर लगा देंगे, मिरर में सब लोग तैयार रहेंगे, यहाँ जज की कुर्सी, जज सामान। वाह राजू भैया, वाह, क्या बात है, अच्छा है ना? अरे सुपर हिट। दिली, मैं तो मन में सोच रहा था, तुम्हें कैसे पता चला? अब आप वो यूं कर रहे थे ना, हाँ। उससे आप तो कमाल के एक्टर हो। वजू भैया लाख कोशिश कर ले फिर भी आपके जैसे पागल की एक्टिंग नहीं कर सकते। इडियट, मैं पागल की एक्टिंग नहीं कर रहा था, अरे मैं तो फैंसी ड्रेस के टाइम सेटिंग अरेंजमेंट सोच रहा था। मैं तो समझा आप फैंसी ड्रेस में पागल बनने वाले हो। चलो अभी बहुत हो गया, चलो कुर्सी उठा के वहां पर रख दे, चलो आओ मदद करो। जोर लगाओ। अरे मैं तो जोर लगा रहा हूँ, तुम जोर लगाओ। कुछ खाते पीते हो या नहीं? अरे दिन भर लोगों का खून पीते रहते हो, कुछ ताकत कहाँ गई? मेरा खून तो गौरी पीती है, उसको बुलाओ ना। चलो जोक मत मारो और जोर लगाओ, जोर लगा के, जोर लगा के। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये कुर्सी को उस तर... दिली क्या कर रहे हो तुम? धक्का मार रहा हूँ। अरे मैंने तुमसे कहा खींचो कुर्सी को, खींच कर वहां पर ले जानी, और तुम धक्का मार रहे हो। अब आपने कहा जोर लगाओ तो मैं जोर लगा रहा था। भगवान है ना कमकल शशिकला। ए रंबा ज्यादा बोल मत। ए क्या बोला बे? बस बस आप लोग झगड़ा मत करो। रंबी जरा मदद करो। चलो क्या मदद चाहिए तुमको? ये कुर्सी उठा के वहां रखनी है। चले शशिकला हाथ लगा, चल खड़ा गया चल। एक मिनट रुकिए, ये कुर्सी को छोड़ दो, ये कुर्सी ज्यादा अच्छी है, ये कुर्सी को उठा के वहां रख दो, दो आम रेस्ट है, जज के लिए यही अच्छी रहेगी। एक मिनट, हम लोगों के हमाल समझ के रखा है, कभी ये करो कभी वो करो, सोच के बोलो बराबर क्या करने का है। सॉरी सॉरी रामजी, तुम सिर्फ इतना करो कुर्सी को उठा के सीधा रख दो, ठीक है? आई एम वेरी सॉरी। राजू भैया आप क्या बनने वाले हो? वो तो सस्पेंस है, तुम क्या बनोगे? सोचा ही नहीं है, कोई आइडिया तो दो। मैं बोलूं? दिन भर सबका खून पीते रहता है, चुड़ैल बन जा। बनने की क्या जरूरत है, सामने तो रेडीमेड है। देगी तो उठा के। बस 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 यार रामी, तुम क्या बनोगी? अपन तो धर्मेंद्र बनने वाला है। अच्छा, महाराज अमिताभ बच्चन और गंगा हेमा मालिनी, शोले बना रहे अपन। या गुड आइडिया, अगर महाराज तुम्हारी टीम में है फिर तो शोले का छोले बनाएगा। राजू भैया जज कौन है? चंदू मामा। क्या? अरे उस काका में तोक्कल है नहीं, और आप लोग उसे जज बनाओगे? और राजू भैया ऐसे भी उनको जज बनाने में कोई फायदा नहीं है, उनको सभी में कोई ना कोई कमी नजर आती है, प्राइज किसी को नहीं मिलेगा। अरे नहीं कैसे मिलेगा? मिलेगा और जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। आपको कैसे पता? क्योंकि फर्स्ट प्राइज मुझे ही मिलने वाला है। यस। अरे मेरा कॉन्सेप्ट ही इतना बढ़िया है कि उनको मुझे फर्स्ट प्राइज देना ही पड़ेगा। देखना सब लोग देखते रह जाएंगे। पियो ना चाय, पियो, अदरक वाली है, तुम्हें अदरक वाली चाय बहुत पसंद है ना? देखो ना मैं अब भी तुम्हारी चॉइस नहीं भूली। मानसी गौरांग नहीं है घर पे? तुम अच्छी तरह जानते हो कि गौरांग इस वक्त यहाँ नहीं है। नहीं मैं तो बस ऐसे ही। रहने तो तुम्हारे एक्सप्लेनेशन, किसी और को देने के काम आएंगे। प्लीज मुझे गलत मत समझो मानसी। नहीं समझी, मैं तुम्हें बहुत सही समझी। अरे हाँ बाय द वे ये लो, पारो ने खास तुम्हारे लिए भेजी है, ये गिफ्ट सरप्राइज गिफ्ट है। This watch है। Oh, oh. What a pleasant surprise. I'm sorry, मैं भूल ही गया था कि ये surprise gift है। मैं तुम्हारी choice बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। पारो के नाम का लेबल लगा देने से असलियत छुप नहीं जाएगी। By the way, पारो कैसी है? अच्छी है। पहले तो अच्छी नहीं थी, है ना? नहीं नहीं पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है। एक बात बताओ समीर, अब वो कैसे पेश आती है तुम्हारे साथ?
जीना मुश्किल कर दिया होगा ना तुम्हारा, जब से उसे हम दोनों के बारे में पता चला होगा तब से। देखो मानसी, ये सब बातें दोहराने का कोई फायदा नहीं है। सच पूछो तो मैं ये सारी बातें भूल चुका हूँ। पर मैं नहीं भूली। हाँ समीर, तुम्हारे साथ बिता हुआ वक्त मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। और तुम सब कुछ भूल गए? इस बात के लिए मैं पहले ही शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मानसी। इनफैक्ट मैं तुम्हें सॉरी कहने ही आया था, इसलिए ये गिफ्ट लेकर आया मैं। सच पूछो तो मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। तो बन जाओ ना पहले जैसे। प्लीज मानसी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या है कि गौरांग पारो को अपनी बहन की तरह मानता है और हमारे बीच एक बहुत बड़ी बिजनेस डील होने जा रही है। अगर गौरांग को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो वो डील कैंसिल हो जाएगी और तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। और तुम नहीं चाहते कि इतनी बड़ी डील तुम्हारे हाथ से निकल जाए। हाँ तो ठीक है, वो डील तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगी। थैंक्स मानसी, थैंक्स। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया समीर, क्योंकि एहसान की कोई कीमत नहीं होती। पर हाँ, तुम्हें तो कीमत चुकानी है। कीमत? कौन सी कीमत? मैं जब भी तुम्हें फोन करूंगी तुम्हें आना होगा। पागल हो गई हो तुम मानसी? तुम आओगे समीर। पर मानसी जरा समझो, तुम्हें आना पड़ेगा। अब तुम ही तय कर लो कि तुम मेरे बुलाने पर आओगे या गौरांग के बुलाने पर। नहीं नहीं, फॉर गॉड सेक मानसी, गौरांग को हमारे बारे में कुछ मत बताना प्लीज। ओके, तो पारो को फोन कर लेने दो, उसने इतनी अच्छी गिफ्ट जो मुझे भेजी है। तुम्हारा नंबर क्या है? प्लीज प्लीज पारो को कुछ मत बताना प्लीज, ऐसा मत करो प्लीज। ओहो समीर, तुम मुझे गौरांग को भी फोन नहीं करने देते और ना ही पारो को करने देते हो, तो अब तुम ही बताओ मैं किसे फोन करूं? तुम्हें करूं? हाँ ठीक है, तुम मुझे फोन कर सकती हो, लेकिन सो स्वीट समीर, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। लेकिन तुम भी जरा ख्याल रखना, तुम इस तरह बार बार मुझे फोन मत करना प्लीज। पर तुम बातें इतनी अच्छी करते हो ना कि तुमसे बार बार बात करने को दिल करता है। मुझे घर पे फोन कटवा ही देना पड़ेगा। तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। एक काम करते ना, हम एक काम करते, मैं यहाँ आ जाया करूंगा, ठीक है? तो मैं चलूं? प्लीज गेट आउट। और सुनो, पारो से कहना मुझे गिफ्ट बहुत पसंद आई। अब जब भी मैं तुम्हें फोन करूँ तो मेरे लिए ऐसी ही गिफ्ट भेजे, वो भी तुम्हारे हाथों। अरे सुनो पारो, मुझे I'm extremely sorry, मुझे पारो से मिलना। समीर, समीर, मैं कैसी लग रही हूँ? हरे आँखों में सपने, हाँ इस घर में आए हैं हम, सपनों की वो दुनिया सच करने आए हैं। नए घर के आंगन में कुछ सपने बोए हैं, कुछ मुरझाए कुछ पाए, कुछ पाकर खोए हैं। नए मौसम के रंग में हम फिर से आएंगे, एक महल नया हम तो मिलकर बनाएंगे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का।